हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज आलम. दिस इज़ माई 58th वीडियो लेक्चर. आज के टॉपिक में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इससे कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना. तो इसका इस्तेमाल एग्ज़ाम में आता ही आता है. तो प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल, हम अगर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो कई टिपिकल सम्स को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं. तो आप ये याद रखो, प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू मेक द सम ईजी. आसानी से कर सकते हैं उसको, ठीक है ना. कोई सम अगर लेंदी हो रहा है तो उस सम को हम बिल्कुल आसानी से बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व, ठीक है. जैसे आप लोगों ने सीखा था डिटर्मिनेंट में कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट था, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे और बहुत ही आसानी से वो बन जाता था. अगर डायरेक्ट एवेल्युएट करते हैं डिटर्मिनेंट को तो परेशानी होती है, ठीक है ना. बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सम, ओके. लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज क्या. तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको सीखेंगे, ओके. प्रॉपर्टीज़ नंबर वन जो है, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर है, ओके. तो ये सेम लिमिट पर, अंडर द सेम लिमिट, क्योंकि देखो स्ट्रिप किसका है, डी एक्स है, तो लिमिट भी उसी का होगा ना. ए और बी भी एक्स का ही लिमिट है, ठीक है ना. एक्स का ही लिमिट है वो. ए टू बी लिमिट पर हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एफ टी डी टी, एफ टी डी टी. सेम लिमिट पर हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. फंक्शन एफ एक्स को हम एफ टी बना दिया, डी एक्स को डी टी बना दिया. जब इसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, याद रखोगे, ठीक है. F2, अगर इसका एग्जांपल देखना है तो एक एग्जांपल देख लो ऐसे करके कि इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स डी एक्स वो बराबर है 0 to 1 टी डी टी पर, ये दोनों बराबर है, ओके. तो एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया 0 से 1, और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और ये 0 से 1, ओके. तो ये आ गया, अभी मैंने क्या सिखाया था, 1/2 बाहर, अपर लिमिट पहले आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ 1/2 बाहर, यहाँ पर टी में आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. यहाँ पर जो ये लिमिट है 0, 1, ये x का है, x में फंक्शन है ना. यहाँ पर ये 0, 1 जो लिमिट है वो t का है, तो t dt टी वेरिएबल चेंज किया, तो आंसर सेम आने वाला है ना, 1/2, 1/2, ओके. समझ में आ गया. तो सेम लिमिट पर हम फंक्शंस के वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन के साथ, है ना. दूसरा प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो हम ए से सी एफ एक्स डी एक्स जा सकते हैं प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हो सकता है, ठीक है ना, प्रोवाइडेड एक्स जो है ए और बी के बीच में कहीं लाइक कर रहा है, ओके. प्रॉपर्टी नंबर टू जो है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जो होगा इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब कुछ ऐसा है, अगर ए यहाँ है और बी यहाँ है और यहाँ पर कहीं पर सी है, तो हम ए से सी पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर सी टू बी कर सकते हैं ना. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके. थर्ड नंबर प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो के बराबर होगा, माइनस ले लेंगे अगर लिमिट को ऊपर नीचे करेंगे तो, मतलब अपर लिमिट लोअर में और लोअर अपर में, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स. अगर हम लिमिट को ऊपर नीचे कर रहे हैं ए टू बी, अगर बी टू ए करेंगे तो फिर हमको माइनस साइन रखना होगा, ठीक है. फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के, ठीक है. ये दोनों वैल्यू बराबर होता है, इसको हम ऑपरेट करके भी दिखा देते हैं एग्जांपल में. लेट आई इज इक्वल टू, मान लो 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स है, इसको डायरेक्ट अगर इवेलुएट करेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक. और ये 0 to π/2, अपर लिमिट रखेंगे माइनस बाहर कर दो, कॉस 90 क्या हो गया 0, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1, ओके. अभी हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो नाउ अगर हम ऐसा कर दें, ये 0 to π/2 ही रख दें, x को क्या बोल रहा है चेंज करने के लिए, a माइनस x से चेंज कीजिए, dx dx वैसे ही रहेगा,
x को a माइनस x से चेंज करना है ना, x को a माइनस x से, तो यहाँ पर x कौन है, तो चेंज किससे होगा, 90 माइनस x, फंक्शन के साथ होगा, साइन तो ऐसी है x, उसका एंगल है ना 90 माइनस x एंड dx, तो ये कितना आ गया, साइन का इंटीग्रेशन, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस x, कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन x, ठीक है, तो ये 0 से 90, साइन 90, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस क्या, साइन 0 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो गया 1, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये हो गया 1। आई होप ये चार प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, ओके ओके। और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स को लिख कर बनाना पड़ता है, ठीक है, अगर आप लिख कर बनाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, इसको लिखो, कॉपी पर जितना लिखोगे आपको समझ में आएगी, बिकॉज ये सब इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये चार प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है, इसके कुछ सम्स मैं बताता हूँ। चौथी नंबर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है चौथी नंबर प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से इस्तेमाल करना। अभी हम और कुछ सम्स को करवाते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो गया होगा, ओके, तो एक सम बनाऊँगा मैं इसी पर, देखते हैं ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन है जैसे बोलेगा प्रूव डैट, तो याद रखो प्रॉपर्टीज़ आपको एग्जाम में बोलेगा नहीं इंटीग्रेशन में ना कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, यू हैव टू डिसाइड कि हमें प्रॉपर्टी लगानी कब है और कब नहीं लगानी है, बिकॉज यही तो आपका स्किल टेस्ट कर रहा ना कि किस में क्या लगाना है, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, और ये आपको तब पता चलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द सम मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा आप बनाओगे द मोर प्रैक्टिस द मोर यू विल नो, ओके। तो इसीलिए ध्यान से रखो कि हमको ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम से होकर गुजरना है, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। तो प्रूव डैट 0 to π/2 एक दे दिया है, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बोल रहा है π/4 आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। चलो हम प्रूफ करते हैं, ओके, इसका लेट लेफ्ट हैंड साइड ले रहे थे, लेट आई विद द इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स बाई क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ओके आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, साइन एक्स में कॉस एक्स ऐड करके एडजस्टमेंट करके हम इसको बना सकते हैं डायरेक्ट, बट डायरेक्ट जो होगा लेंदी हो जाएगा, ये हमारा टाइम को भी सेव करना है, टाइम बचाना है, तो बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 90 वाला कुछ फार्मूला हम लोग साइन ऑफ कॉस पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 90 माइनस 90 प्लस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इस तरह के फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, तो इसको डायरेक्ट ना सॉल्व करके हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपके सारे सम प्रॉपर्टी से ही बनेंगे, कुछ सम आसान होगा तो उसको आराम से बना लेंगे बिना प्रॉपर्टी का, अगर प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी या फिर फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो उसको अप्लाई करेंगे। लिखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो है, यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सा कर रहे हैं वो भी बता देते हैं, 0 to a, जितना क्लियर रखोगे कॉन्सेप्ट को उतना बेहतर है, 0 to a सेम लिमिट पर ये फंक्शन ऑफ एक्स चेंज हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, ओके। तो ये आ गया, देयरफॉर आई बन गया हमारे पास 0 से 90 पर साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, फिर क्या साइन ऑफ ये आ गया 90 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स एंड डी एक्स, ओके ये 90 है, ठीक है, थोड़ा सा ये पेन में लिखने में प्रॉब्लम है, ओके ये आ गया। अभी ये क्या बन रहा है मेरे पास 0 to, इसको सॉल्व करेंगे π/2, जहाँ जहाँ मेरा x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया 90 माइनस एक्स से बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, dx को एज इट इज़ रखेंगे, ओके। तो साइन 90 माइनस एक्स क्या बन गया मेरा cos x, साइन 90 माइनस एक्स क्या बन गया ये cos x प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या बन गया साइन x, और ये हमारा dx है, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2 और ये आई है। अब एक गौर करो तो देखो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो हम लोगों ने सीखा ना जब डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो ऐड करने से ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ओके। तो आई और ये प्लस हो गया आई है ना, यहाँ से अगर हम 0 to π/2 लेंगे तो ये डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से डायरेक्ट ऐड हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये भी आ जाएगा क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके साइन एक्स प्लस कॉस सेम ही है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये dx, तो दिस इम्प्लाइज dx का इंटीग्रेशन 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है
एक्स, ये आ गया जीरो से पाई बाई टू लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से तो पाई बाई टू आएगा माइनस जीरो और टू नीचे आ जाएगा तो पाई बाई फोर, ये हो गया प्रूफ, ठीक है, ये पहले आएगा ना पाई बाई टू आएगा माइनस जीरो, पाई बाई टू आया, आई इज इक्वल टू क्या हो गया टू नीचे आ जाएगा पाई बाई फोर, समझ गया। तो ये बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम इसे समझ सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है, इसको आप वीडियो स्टॉप करके भी लिख सकते हो, आराम से देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा मेरा वीडियो भी कवर हो रहा है और ठीक ठाक साफ सुथरे। देखो कॉपी में मैं लिखे हुए को इसलिए समझा देता था क्योंकि मैं कई बार पढ़ा रहा हूँ, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना, ठीक है, तो इसीलिए कभी कॉपी से बता देता हूँ, कभी इस बोर्ड पे करा देता हूँ, ठीक है, तो लेकिन लेजिबल है, मैं ये देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा साफ सुथरा है और दिख भी रहा है, ठीक है ना, आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक एंड शेयर भी कर दो यार, ठीक है। तो ये एक बन गया है ना, ठीक है, एक और कुछ और हम लोग करते हैं स्टूडेंट, देखो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स को और करेंगे हम लोग यहाँ पर, चलो इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हमने मिटा दिया, एक और प्रॉब्लम को देखते हैं, क्वेश्चन है, अगर मान लो ऐसा दिया हो 0 to 1 वन माइनस एक्स टू द पावर एन एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ, इसको बोल रहा है इवेल्युएट करें, इसको आपको बनाना है आई, ठीक, इसको आपको बनाना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है, चलो इसको, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ ना, इज इक्वल टू व्हाट, क्या वैल्यू होगा, तो सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू 0 to 1, तो बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हम इसको चुटकी में बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, डायरेक्ट करने में दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना होगा 1 - x^n का, जो कि थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, फिर एक से मल्टीप्लाई भी करना है तो टिपिकल हो जाएगा, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 to 1, एक्स को क्या चीज़ से रिप्लेस करना है मेरे को, 1 - x, एक्स को रिप्लेस करना है a - x से, मतलब 1 - x से, और ये हो गया टू द पावर n, और ये हो गया एक्स को किससे रिप्लेस करना है 1 - x से, ओके, फंक्शन चेंज हो गया। अब ये एडिंग वाला प्रोसीजर ज़रूरी नहीं है, ऐड होने से कुछ कट रहा होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, 0 to 1 1 - 1 - - प्लस एक्स टू द पावर n, और ये 1 - x ऑफ डी एक्स, ओके, ये आ गया 0 से 1, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया x टू द पावर n, और ये 1 - x डी एक्स, ठीक, ये इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1, ये आ गया x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx, ओके, पावर ऐड हो जाएगा, तो x टू द पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 / n + 1, और ये लिमिट बढ़ जाएगा 0 to 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ये आ जाता है x टू द पावर, एक ज़्यादा होता है ना, n + 2 / n + 2, और ये लिमिट आ गया मेरा 0 से 1, तो 1 / n + 1 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं और लिमिट लगाएंगे तो 1 का पावर n + 1 तो 1 ही होगा और 0 होगा, ये ना, माइनस 1 / n + 2 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो 1 अगर x में रखना है ना 1 रखेंगे, 1 का पावर n + 2 1 ही माइनस 0, तो ये सॉल्व होकर मेरे पास आ गया, दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 1 / n + 1 माइनस 1 / n + 2, ओके, एलसीएम अगर हम ले लेते हैं, ये आ जाएगा n + 1 और ये n + 2, यहाँ आएगा n + 2 माइनस, ये हो जाएगा माइनस n और ये माइनस 1, ये माइनस n प्लस n कट गया, 2 में से 1 गया कितना 1, तो 1 / n + 1 और n + 2, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास, ये सॉल्व हो गया, ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, इस तरह के सम्स को बनाएंगे आप NCERT जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, RS अग्रवाल के बुक से बना सकते हो, CBSE के स्टूडेंट जो है वो आडी शर्मा से बनाएं, क्योंकि 60% 50% NCERT रहता है, उसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ आडी शर्मा उससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है, और NCERT RS अग्रवाल आडी शर्मा ये सब बुक काफ़ी है आपके लिए, ठीक है, मोर देन इनफ है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्रेंस के लिए तो कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसका अप्रोच अलग होता है, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकन ज़्यादा है वो, है ना, ठीक है, उसको बहुत शॉर्ट वे में करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच को, ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो,
हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और मेरा सजेशन है बच्चों कि आप इसको लिख कर बनाओ, जब तक आप लिख कर नहीं बनाओगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, कि ये किस तरह से सर सॉल्व कर रहे हैं। आप लिख लिख कर बनाना होगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द मतलब ये पार्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस पर अच्छे से मेहनत करोगे, आपके कुछ दो सम्स तो कम से कम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से, डेफिनेट इंटीग्रल से पूछे जाते हैं, तो आपके दो सम्स श्योर हो जाएंगे, फिर आप उसको बना पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिपिकल सम्स भी हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक ईजी सा क्वेश्चन बना दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आप इससे भी अच्छा क्वेश्चन और बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने सिंपल क्वेश्चन को, मैं सिंपल क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ताकि मैं उन बच्चों के हिसाब से पढ़ाता हूँ जो कि सबसे वीक हैं, वीक स्टूडेंट, क्योंकि एवरेज वाला या स्मार्ट स्टूडेंट तो कहीं से भी कर लेंगे, उनको बहुत सारी जगह से मटेरियल मिल जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो उन वो बच्चे ध्यान से देखें इस वीडियो को और सिंपल सम्स पे ध्यान दें। जब उनका सिंपल सम्स ठीक हो जाएगा तो एवरेज और फिर टिपिकल सम्स को फिर देखेंगे। ओके ओके देन, थैंक यू वेरी मच।